गहलोत राज में जहां विपक्ष लगातार ये कहता है कि राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया है और अब गहलोत के विधायक के बेटे यानी कि राजगढ़ के कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दौसा में पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भिजवा दिया है। आपको बता दें कि विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे पर गैंगरेप का आरोप है। न्यायालय से डिमांड की थी, क्या न्यायालय ने न्यायालय के आदेशानुसार ही गिरफ्तारी वारंट पर गिरफ्तार किया है, उनके आदेश से अभी जेसी छोड़ने जा रहे हैं। क्या क्या मामला समझ थी, पहले कितने आरोपी अरेस्ट हो चुके? दो हो चुके। चलिए एक बार पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने मार्च 2022 में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था, जिसमें नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप में विधायक के बेटे का नाम सामने आने के बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया था। लेकिन विधायक साहब यानी कि जौहरी लाल मीणा है कि तब अपने आप पर षड्यंत्र का मामला बता रहे थे, आप खुद ही सुन लीजिए। मेरे बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, वो बिल्कुल झूठा है, निराधार है और वो राजनीतिक एक षड्यंत्र है। मेरी लोकप्रियता को देख करके और कुछ लोगों ने परेशान और अपना अश्विन बना करके राजनीति मुझे डैमेज करने के लिए मेरे बेटे के ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। इन लोगों ने पूर्व में मेरे खिलाफ FIR दर्ज की थी, वो तफ्तीश में बिल्कुल झूठी और निराधार असत्य मानी गई है। इसके बावजूद उन्होंने ये नया षड्यंत्र रचा है जिससे इसकी लोकप्रियता खत्म हो और मुझे राजनीतिक नुकसान हो, क्योंकि जो अभी नजदीक चुनाव होते जा रहे हैं इस प्रकार का षड्यंत्र करना इन लोगों का दुष्प्रचार है। ये शोभा नहीं देता राजनीति में भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं। पुलिस ने जब पूरे मामले की तफ्तीश की तो आरोपी विवेक शर्मा और नरेश समलेटी को पहले ही गिरफ्तार किया था, तो वही विधायक के पुत्र यानी कि दीपक मीणा को आरोपी नहीं मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। लेकिन पॉक्सो कोर्ट ने कहा कि जांच गलत है, फिर 17 वारंट जारी किए। हाईकोर्ट ने SP को तलब किया, तब जाकर के गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस 6 माह तक आरोपी को फरार बताती रही और आरोपी आगे की जमानत के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटता रहा। सर और क्या निर्देश है? समलेटी होटल में नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया, जिसमें 2 मुलजिम पूर्व में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए और जौहरीलाल मीणा के लड़के दीपक उर्फ दीपू को पुलिस ने उसका नाम चार्जशीट से हटा दिया। जब चार्जशीट प्रस्तुत की गई तो माननीय न्यायालय के समक्ष हमने 190 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इसके नाम पर संज्ञान लेने के निवेदन किया। उस पर इनको गिरफ्तारी वारंट से जौहरीलाल मीणा के लड़के दीपक को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया, जिसकी पालना में पुलिस ने आज न्यायालय में गिरफ्तार कर दीपक मीणा को न्यायालय पॉक्सो कोर्ट दौसा में पेश किया गया है और JC के आदेश किए हैं। और इसके पूर्व में अग्रिम जमानत याचिका माननीय हाईकोर्ट और पॉक्सो कोर्ट दौसा से खारिज हो चुकी है और निगरानी याचिका भी हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है, जिसके खिलाफ ये SLP सुप्रीम कोर्ट में याचिका इन्होंने दायर की थी और हमने गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट में निवेदन किया कि पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही, 6 महीने हो चुके हैं और बार बार पुलिस अदम तामील वारंट को भिजवा रही है। तब हाईकोर्ट ने SP को व्यक्तिगत रूप से 23 जनवरी को कोर्ट में तलब होने के आदेश फरमाए थे, जिसकी पालना में आज जौहरीलाल मीणा MLA के लड़के को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट दौसा में प्रस्तुत किया है और यहां से JC के आदेश फरमा दिए गए। विनोद कुमार बंसीवाल, एडवोकेट परिवादी का अधिवक्ता हूँ। हाल ही में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साहब खुद रेप जैसे घिनौने अपराध करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कह चुके हैं और तो और उन्होंने ये तक कहा था कि वह ऐसे लोगों के बाल काट कर बाजार में उनकी परेड कराना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया देखे। अशोक गहलोत का मानना है कि इससे रेपिस्ट रेप करना भूल जाएंगे। हालांकि हमारा कानून इस बात की इजाजत तो नहीं देता, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री जी अपने विधायक के बेटे के लिए क्या कुछ कहते हैं। राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा की रिपोर्ट।